शनि के नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं। सबको डर लगता है शनि से। शनि इतने इतने पावरफुल एनर्जी हैं, डरना स्वाभाविक है। यदि आप गूगल करें और नासा के साइट में जाएं और थोड़ा सुनने की कोशिश करें, शनि की ग्रह की जो आवाज जो रिकॉर्डिंग की गई है, बड़े गंभीर आवाज है। ये आवाज इतनी खतरनाक है। आप सुनना चाहते हैं? मैं सुनाता हूं आपको, ये देखिए। तो ये है शनि। शनि की इतनी प्रबल शक्ति है, क्यों ये इसका स्थान है यहां, यहां विराजमान है शनि, जिसको हम कहते हैं किस्मत, भाग्य भी कहते हैं। हम तो नहीं कहते कि भाग्य यहां यहां हाथ दिखाते, यहां दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं यहां? क्योंकि यहां है हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई, विजन, भविष्य को कल्पना करने की पावर। गलत कल्पना कर लेते हैं तो गलत डिसीजन हो जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, शादी में, व्यवसाय में, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में, अपने जीवन के बारे में हर एक जगह गलत डिसीजन ले लेते हैं। यदि आपकी थर्ड आई ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि शनि ठीक नहीं है तो कि शनि का स्थान यहाँ है। निरांजनम समाभासम रविपुत्र इमाग्रजम छाया मर्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्वरम। निरांजनम, नील मतलब नीला, अंजन मतलब काला, दोनों का रंग मिलकर बनता है इंडिगो। आप जानते हैं विवग्योर, ये है वायलेट। पलाश पुष्प संकाशम तारक ग्रह मस्तकम, केतु का स्थान यहाँ है स्टार्स के ऊपर। पलाश पुष्प जो वायलेट कलर का है यहाँ, ये है निरांजन समाभासम, ये है शनि का स्थान, किस्मत का स्थान। इसलिए मैं कहता हूं शनि है एक जीपीएस। यदि जीपीएस और प्रोग्रामिंग गलत हो गया, आप कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। जस्ट इमेजिन, एक पायलट जा रहा है जीपीएस लगा हुआ है जहाज में, यहां से इंडिया से लंदन जाना है और जीपीएस में गड़बड़ी हो गई, ये पहुंच गया कहां? अबू धाबी, पता नहीं कहां पहुंच गया। जीपीएस गलत हो तो गलत रास्ते में जाएंगे, गलत जगह पहुंच जाएंगे। परिश्रम तो अथक करते हैं जिंदगी में। हम कहते हैं कि इतना परिश्रम करता हूं जिंदगी में, कहीं पहुंचता क्यों नहीं? आप पहुंचते इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जीपीएस ठीक नहीं है, आपका शनि ठीक नहीं है, पहुंचे हैं कैसे आप कहां? कहते हैं जिंदगी में इतना संघर्ष करता हूं, इतना मेहनत करता हूं, कुछ फल मिलता नहीं है। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि गलत रास्ते पे जाएंगे पे तो फल कैसे मिलेगा? गलत निर्णय लेंगे तो फल कैसे मिलेगा? जो आपको ध्येय ही पता नहीं है, जहां जाना है उसका जगह के बारे में पता होना जरूरी है, और वहां जाने का जो दिशा है वो सही होना चाहिए। आप जाना चाहते हैं बेंगलोर से चेन्नई, जीपीएस कर रखा है हैदराबाद, हैदराबाद ही पहुंचेंगे आप। तो ये जो दिशाहीनता हो जाती है, ये जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, ये जो गलत डिसीजन जीवन जिंदगी में हो जाता है, ये सभी कुछ होता है शनि के प्रभाव से। शनि यदि आपको चाटना अच्छा नहीं होता, ऐसा हो जाता है, तो शनि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि शनि केवल आपको खराब फल ही देते हैं, ये भी धारणा गलत है आपकी। शनि आपको मालामाल करते हैं। थर्ड आई विजन ठीक हो तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, बहुत एम्बिशियस हो तो बहुत जिंदगी में ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं आप, और ऐसे ऐसे अजस्र धन के मालिक हो जाते हैं आप कि कुछ का ठिकाना है नहीं, हिसाब ही नहीं है। धन, जन, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, सब तो चीजें आती हैं, मेटलिस्टिक गेन की बातें मैं करता हूं, ये आती हैं शनि से ठीक जगह बैठा हो तो। शनि खराब जगह बैठा हो तो जिंदगी में तबाही मचा देगा, दुख पैदा कर देगा, शादी को तोड़ देगा, आप अपने आप से इतने निराश हो जाएंगे कि लगेगा मर जाऊं तो अच्छा है। इसलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं
कि शनि का स्थान कहां कहां किस घर में बैठने से कैसा होता है। शुरू करते हैं लगन के हाउस से। लगन के हाउस में शनि बैठा होगा तो मन में पैदा करेगा मेलंकोली, उदासीपन, अकेलापन। और वहां बैठे बैठे कहां देखेगा, शनि जहां बैठता है उसे तीसरे घर पे, सातवें घर पे और दसवें घर को देखता है। तीसरे घर को देखेगा तो आपको बनेगा टास्क मास्टर, हार्टलेस टास्क मास्टर। आप जानते हैं कोई बॉस आप मिले हैं कभी, कोई इमोशन ही नहीं है, काम होना चाहिए, काम, टारगेट फिनिश करो, तुम्हारे घर में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे परवाह नहीं है। टास्क मास्टर्स, स्टोन हार्टेड, मिलिट्री रूलर्स, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होते हैं ना, इनका शनि लगन में बैठा होता है, वो थर्ड हाउस को देखता रहता है। काम पूरा निकालेंगे आपसे, और काम इस प्रकार से निकालते हैं तो अपना सक्सेस को तो पूरा सील कर लेते हैं। अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। एम्पैथी, सिंपैथी, ये बातें उनसे मत कीजिएगा, इनको मजाक लगता है ये चीजें। फिर हम देखते हैं कि इसका सातवें घर में जो देखता है लगन में बैठकर क्या होता है, शादी में अवसाद पैदा कर देगा, डिप्रेशन पैदा कर देगा, शादी का सुख सब सोख लेता है। जैसे आप समझें कि कोई फूल को निचोड़ दे, पूरा ड्राई फ्लावर बन जाए, जैसे शादी खिला हुआ गुलाब होना चाहिए, ये बन जाता है एक श्रंक गुलाब रोज, ऐसा हो जाता है। और शादी में अकेलापन पैदा कर देता है। फिर ये देखता है दसवें घर को, दसवें घर वहां से बैठे हुए देखेगा दसवें घर को जो कि कार्य क्षेत्र है, वहां यही शनि आपको देगा मल्टीटास्किंग एबिलिटी। दसवें घर को जब देखेगा तो शनि आपको देगा मल्टीटास्किंग एबिलिटी, आप कोई प्रकार का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम जब शनि द्वितीय हाउस में बैठता है, सेकंड हाउस में बैठता है, तब क्या होता है। जब शनि सेकंड हाउस में बैठेगा तो खर्चा बढ़ा देगा, अनायास ऐसे ऐसे खर्चे आते हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। प्लानिंग करके बैठे हैं कि भाई यहां से यूरोपियन टूर जाएंगे, 3 महीने के बाद में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक फोन आ गया कि फूफा जी का तबीयत खराब है, बुआ जी की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, या कहीं शादी होने वाले, वहां इतना पैसा भेजना है, कहीं से कुछ संकट, ऐसे कुछ न्यूज आ जाएगा कि आपका जो भी प्लान किए हैं सब धराशायी, सब प्लान खत्म। ऐसा होता है, बीमारी आ जाएगी, ऐसे ऐसे खर्चे होंगे जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अनायास आ जाता है खर्चा और सब खर्चा आ जाता है पैसा। सेकंड हाउस में बैठने से ऐसा होता है। और क्या होता है सेकंड हाउस में बैठने से? सेकंड हाउस में बैठा बैठा तो धन की हानि करा ही रहा है आपको, खर्चा करा रहा है। और बचपन बहुत संघर्षपूर्ण होता है, बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है पैसे के लिए। मेरे अपनी कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है, मैं जानता हूं किस प्रकार से गरीबी होती है, किस प्रकार के बचपन के दुख होते हैं, मैंने झेले हुए हैं, मैं जानता हूं इसको। और भी बहुत कुंडली में देखा हुआ है, सत्य पाया मैंने इसको। तो वहां से बैठ के जब ये देखेगा आपका थर्ड हाउस को, तो थर्ड हाउस आपका हो गया फोर्थ हाउस, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीसरा घर हो गया। यहां देखेगा तो अकेलापन पैदा करेगा, मेलंकोली पैदा करेगा, सैडनेस पैदा करेगा। फिर क्या देखेगा, ये देखेगा फिर सेवेंथ हाउस, मतलब एट्थ हाउस। एट्थ हाउस को जब शनि देखेगा तो क्या पैदा करेगा, ये बचपन दुखपूर्ण, जो सेकंड हाउस का प्रभाव है यहां भी ऐसे आएगा। फिर ये देखेगा टेंथ हाउस, मतलब इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस में जब शनि देखेगा तो मालामाल करता है, पैसा देता है, धन देता है, मेटरिस्टिक गेन करवाता है। एग्जाम्पल देखिए, धीरूभाई अंबानी के चार्ट में शनि बैठे हुए सेकंड स्थान पे, बचपन संघर्षपूर्ण बीता, अकेलापन रहा, धन की अजस्र प्राप्ति हुई जीवन में, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। तो अभी हम बात करते हैं यदि शनि आपके थर्ड हाउस में बैठा तो कैसा होगा। शनि तीसरे घर में बैठ जाए तो ये बनाता है बंदे को फियरलेस, मतलब डरता नहीं किसी से ये। और क्या होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं और रथलेस डिसीजन लेने वाले होते हैं, डिसीजन लेने में घबराते नहीं है ये लोग। इस प्रकार से फल देता है तीसरे हाउस में, पंक्चुअल बड़े होते हैं, डिसिप्लिन बहुत होते हैं, समय के पाबंद होंगे। यदि ऑफिस में स्टाफ टाइम पे नहीं आ रहा तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि खुद ये डिसिप्लिन को मानने वाले होते हैं और
प्रिसिजन टाइम पे काम करते हैं। टाइम बाउंड ढंग से काम करना ये एक एग्जाम्पल है कि तीसरे घर में शनि क्या करता है। जिंदगी के हर एक पहलू को, जिंदगी के लक्ष्य क्या है, इससे कभी भूलते नहीं है, हरदम ध्यान रहता है इनका जिंदगी में, और सबको मजबूर करते हैं जो उनके साथ रहते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ ही लीड करें। यहां बैठे बैठे ये देखेंगे तीसरे, सातवें और दसवें घर को, तो थर्ड हाउस से तीसरा घर हो गया आपका फिफ्थ हाउस, क्रिएटिविटी क्या क्रिएट करने वाले हैं, नेगेटिविटी, मतलब ज्यादा सुखी नहीं रहते हैं लोग, दुखी रहते हैं। और फिर आपका हो गया सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस हो गया आपका भाग्य वाला घर। भाग्य वाले घर को दिशा में देखेगा तो भाग्य को अवरुद्ध करेगा। तो ऐसे आदमी पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, मेहनत बहुत करते हैं, लक्ष्य को भूलते नहीं है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता है, इनको अथक परिश्रम करनी पड़ती है, अथक परिश्रम करनी पड़ती है। फिर ये शनि आपका देखेगा ट्वेल्थ हाउस को, जब ट्वेल्थ हाउस को देखेगा शनि तो क्या होगा, जिंदगी में धन जो बढ़ेगा शैने शैने, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धन की वृद्धि होती रहती है, धन की वृद्धि होती रहती है, मतलब ये हुआ कि बुढ़ापे में इनको धन की कमी नहीं होती है, ये समझिए आप, बुढ़ापे में धन बढ़ता ही रहेगा। तो तीसरे घर में बैठने से डिसिप्लिन लेकिन अकेलापन, भाग्य अवरुद्ध, भाग्य साथ देता नहीं है, जितना मेहनत करते उतना फल मिलता नहीं है, और आगे चल के लेकिन बुढ़ापे में धन की बुद्धि होती है, मतलब जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धन की बुद्धि होती है, इतना समझ लीजिए आप। तो शनि इस तीनों घर में बैठने से कैसे कैसे फल देता आपको मैंने देखा, तो शनि कहीं तो अच्छा फल दे रहा है, कहीं अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या करना चाहिए, निलंब पहनना तो सोच समझ के पहनना चाहिए, परामर्श करके पहनिएगा, 9845124158 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, एक कंसल्टेशन बुक कीजिए, निलंब पहनना चाहते हैं, बिना कंसल्ट किए कुछ पहनना चाहते हैं तो 17 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन सकते हैं। यदि हमसे लेना चाहते हैं 17 मुखी रुद्राक्ष के लिए मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 7 नंबर 9845124158। हमारे ऑनलाइन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं www.whitelotusspirituality.com। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे शनि के ही बारे में ही, बाकी जो घर हैं वहां बैठने से क्या क्या होता है, जैसे फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, और आगे चल के इस प्रकार से जो बाकी घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, वहां शनि का बैठने से क्या क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से जिंदगी को प्रभावित करता है, धन संपदा को प्रभावित करता है, मन के भाव को प्रभावित करता है, शरीर के जो रोग व्याधि है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है या देता है, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। जुड़े रहे हमसे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी शनि के बारे में और कोई चर्चा करते हुए। अभी विदा लेता हूं मैं आपसे, विंग कमांडर संतोष शर्मा बेंगलुरु इंडिया से, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।